ये बड़ी खबर आप हरियाणा के यमुनानगर से देख सकते हैं, जहां पर दो नशेड़ी दोस्तों ने अपने ही दोस्त की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। उसको शमशान घाट में बुलाया और उसके सर पर पाने से कई वार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जब पुलिस इस मामले की गहनता से छानबीन करती है तो पता चलता है जो मृतक है वो गुरुदेव है, जिसको उसके घर वालों ने बेदखल किया हुआ था। उसने अपने घर में ही 12 लाख रुपए की कुछ महीने पहले चोरी की थी, जिसके बाद उसके परिवार के लोगों ने उसको घर से निकाल दिया और वह अपने दोनों दोस्तों के साथ रहता था और तीनों ही जो है नशा करने के आदी थे। तीनों नशेड़ी दोस्त थे, लेकिन बीच में कोई लड़की आती है और उसी लड़की को लेकर जो है ये सारा विवाद खड़ा होता है। और दोनों दोस्त, जिसका नाम प्रदीप और नवीन बताया जा रहा है, उन्होंने ही अपने साथी की हत्या कर दी है। सीआईए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया है ताकि मामले का खुलासा किया जा सके। तो ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के यमुनानगर से आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया का नाल ब्रेकिंग न्यूज यमुनानगर। एक लड़के का मर्डर गड्डी कार में, उसकी कार में ही दो व्यक्तियों ने मर्डर कर दिया था, जिसमें क्या है, एक आदमी का नाम तो प्रदीप एलिस गोगा है, दूसरे का नाम है विपन एलिस सोनू, वो भी जाति हरिजन है, वो भी बिकमपुर के ही है। ये दोनों ही लड़के इसके दोस्त थे और ये प्रदीप के घर में ही रहता था। बाप से तो इसकी बनती नहीं थी, क्योंकि बाप ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया चोरी का। ये 12 लाख रुपए चोरी करके ले गया था और तीनों ही नशेड़ी थे और इनको किसी मामले को लेकर आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद क्या है, इन्होंने इसका वहाँ से सिर में वो जो पन्ना होता है टायर चेंज करने का, उसके साथ इसके सिर में कई वार किए और इसको मार के चले गए थे, जो बाद में अब CIA 1 द्वारा तफ्तीश अमल में लाई गई और उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया। आबाद के पास, वहाँ पर मुस्तावाद के पास मुर्द घाट है, वहाँ पर उसकी हत्या की गई थी। आज उनको पेश करके रिमांड लेंगे। और ये तीनों दोस्त हैं, मुस्तावाद की कोई लड़की लुड़की थी, कोई लेडीज थी, जिसकी वजह से पहले इसके साथ संबंध थे, फिर उसके प्रदीप के साथ, प्रदीप भी इसके साथ, प्रदीप के घर रहता था। ये सर लड़का ही मन कैसे देखी, किसी ने फोन करके बुलाया इसको 2 बजे यहाँ से, ना अभी आप वहाँ आ जाओ छप्पर में, तो ये वहाँ छप्पर गया, उसके बाद शाम को फोन आया इसी का किले भी इसका मर्डर हो गया, इसी गाड़ी में मर्डर किया है जिसका, तो ये मशीन चलाता था जी, हेड्रा मशीन गाड़ी इसकी, थाना छप्पर जो शमशान घाट है जी वहाँ से मिली है, बाकी और कुछ वैसा कुछ मिला नहीं है। यहाँ जी सिर पाटा हुआ है यहाँ से और हाथ पे निशान है इनके, एक हाथ पे क्या कुछ, अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी, ये तो पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन मोबाइल नहीं मिला अभी, कोई कुछ मिला नहीं है, अब मोबाइल मिल जाएगा उसमें पता लग जाएगा जी। हाँ जी, और किसी ने कॉल की थी, ये अपनी बुआ के घर था उस टाइम जी तलाकोर में, तो उसको कॉल की वहाँ से, फिर वहाँ से गया तो जैसे ही वहाँ गया कुछ शाम को 5:30-6 बजे करीब ये काम हुआ। ये बड़ी खबर आप हरियाणा के यमुनानगर से देख सकते हैं, जहां पर दो नशेड़ी दोस्तों ने अपने ही दोस्त की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। उसको शमशान घाट में बुलाया और उसके सर पर पाने से कई वार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जब पुलिस इस मामले की गहनता से छानबीन करती है तो पता चलता है जो मृतक है वो गुरुदेव है, जिसको उसके घर वालों ने बेदखल किया हुआ था। उसने अपने घर में ही 12 लाख रुपए की कुछ महीने पहले चोरी की थी, जिसके बाद उसके परिवार के लोगों ने उसको घर से निकाल दिया और वह अपने दोनों दोस्तों के साथ रहता था और तीनों ही जो है नशा करने के आदी थे। तीनों नशेड़ी दोस्त थे, लेकिन बीच में कोई लड़की आती है और उसी लड़की को लेकर जो है ये सारा विवाद खड़ा होता है। और दोनों दोस्त, जिसका नाम प्रदीप और नवीन बताया जा रहा है, उन्होंने ही अपने साथी की हत्या कर दी है। अब CIA पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया है ताकि मामले का खुलासा किया जा सके। तो ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के यमुनानगर से आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया का नाल ब्रेकिंग न्यूज यमुनानगर।